तो हाय गाइज, आज मैं इनका मेकअप करने वाली हूँ। इनको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो ले लिया जाए। तो फाइनल लुक कुछ इस तरीके का आया था। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल नॉर्मल कैमरे से वीडियो लिया मैंने, बिल्कुल भी कोई एडिटिंग नहीं है। और मेकअप कैसा लग रहा है आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मेकअप सीखने के लिए मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज है 5 दिसंबर, और मैंने नहा लिया है और मैंने बनाया है खीर, छोले, पूरी एंड पुलाव। और यहाँ पे हो रही थी गिफ्टों की पैकिंग एंड हैप्पी बर्थडे का जो ये सब है, ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। ये सेट हो जाएगा, अभी हम लोग का बेड नहीं आया है तो हम लोग नीचे ही सोते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने खीर बना रही हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा दिख रहा है खीर का जो कलर है। और कुकर में है छोले बन रहे हैं, फिर इसके बाद मैं पूरी और पुलाव बनाऊंगी एंड पूरा दिन का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ मैं एक स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूंगी, जैसे कि हम लोग बाहर जाते हैं तो क्या क्या करना चाहिए। अब देखते हैं ये सब कहाँ सेट होता है, सब कुछ दिखाऊंगी आज पूरे दिन के ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अरे करो यार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Gracias.
क्रीम खराब नहीं करना जो ऊपर लगा हुआ है। एक ही में सबके हटा हो गया ना। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र लिया है एंड अपने फेस पे इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है फॉर ड्राई स्किन है आपकी, तो आप ये वाला मॉइस्चराइज़र ले सकते हो बिना कुछ सोचे समझे और आपको बहुत अमेजिंग सा रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक दिन में तो कुछ रिजल्ट नहीं पता चलता है, बट हाँ इसको आप यूज़ करोगे तो 1 से 2 वीक में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही मैं यहाँ पर लगाऊंगी आयुर का सनस्क्रीन, ये लोशन टाइप का है, इसमें क्रीमी बेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ईजिली आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत अच्छा सा ग्लो देता है आपके फेस को, सन से बचाता है सन की हार्मफुल किरणों से, तो इसको भी ज़रूर लगाइए। और अगर मेकअप करना है आपको तो आप इतने स्टेप के बाद मेकअप कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे मेकअप नहीं किया है। बगल में ही मेरे पड़ोसियों के यहाँ पूजा है, आज उनके बेटे का भी बर्थडे था, मतलब ये मेरे बर्थडे के अगले दिन का व्लॉग है, तो उनके बेटे का आज बर्थडे था तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी जाने के लिए वहाँ पे, तो बस इस तरीके से सब लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह करके आए थे, बट मैंने कुछ मेकअप वगैरह नहीं लगाया था क्योंकि मैं जैसे ही निकलने लगी थी मेरे पास एक ब्लीच करवाने के लिए ब्लीच और मसाज के लिए कस्टमर आ गई थी, तो मुझे खुद के लिए इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इतना मेकअप वगैरह करके जाऊँ, बट जितना हो पाता है थोड़ा बहुत तो सबको अच्छा दिखने का मन करता ही है, तो मैं इतना ही करके और एक बिंदी लगाया था मैंने बालों को क्लचर लगा के, कैसे हेयर स्टाइल करी वो भी देख लीजिए और वीडियो एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं अपना व्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट करूँ इस चैनल पे, और बहुत अमेजिंग वीडियोज और हैक्स एंड टिप्स वगैरह आपको ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड देखने को मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। तो इस तरीके से मैंने आईब्रो पेंसिल लिया था और इस तरीके से अपने आईब्रो को फील किया, बट सिर्फ आईब्रो पेंसिल से परफेक्ट लुक आप नहीं दे सकते हो बिल्कुल नेचुरल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आईब्रो पेंसिल को इस तरीके से लगाना तो है ही, साथ में आपको क्या करना है, आईब्रो फील करने वाला ब्रश लेना है एंड ब्रश की मदद से पहले दोनों साइड से बिल्कुल बराबर कर लीजिए जो भी आपको आईब्रो का लुक लग रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया, बट इसको नेचुरल दिखाने के लिए इस तरीके का ब्रश आता है आईब्रो फिलिंग के लिए, तो अच्छे से कलर अपने आईब्रो पेंसिल को मिक्स कर देंगे जिससे कि हमारा जो आईब्रो का लुक है वो नेचुरल आ जाएगा और अच्छे से ये ब्लेंड हो जाएगा हमारा आईब्रो पेंसिल और काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल कम लगाना है। आईब्रो पे डिटेल वीडियो बताई हुई है फिलिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए सब कुछ, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आईब्रो फील। अब चलते हैं हम लोग हेयर स्टाइल के लिए, तो हेयर स्टाइल के लिए मैं क्या करूँगी मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिंपली अपने कॉम को लिया, मैंने हेयर वॉश करने के बाद कॉम नहीं किया था बालों में, यानी कि कंघी नहीं की थी, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंघी कर रही हूँ और इस तरीके से बालों को अच्छे से कॉम करूँगी और क्या करूँगी वो सब देखते रहिए। इस तरीके से साइड से थोड़ा थोड़ा बालों को निकालूँगी जिससे मेरे फेस को एक अच्छा सा फ्रेम मिलेगा और जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से कर लिया है मैंने, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक क्लचर, थोड़ा सा बालों को इस तरीके से लिया है एंड बैक से दिखाती हूँ कि कैसे करना है और कैसे क्लचर लगाना है, हल्का सा ट्विस्ट करना है ऊपर की तरफ पुल करेंगे ताकि थोड़ा सा हमको पफ का लुक मिल जाए, और यहाँ पे हम लोग इस तरीके का क्लचर लगाएंगे। अपने बालों के अकॉर्डिंग आप लगा लीजिएगा, कितने बाल घने हैं पतले हैं उसके अकॉर्डिंग, और मैं क्लिप वगैरह इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करूँ, बस एक सिंपल सा क्लचर लेना है और इस तरीके से लगाना है और दैट्स इट, आपका जो लुक है वो कम्प्लीट है आपके छोटे बालों के लिए। इस तरीके से आप कर सकते हो एंड बालों को अच्छे से कॉम कर लेंगे पीछे से, और मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ पूरा। वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड छोटी छोटी बारीकियाँ बताते रहती हूँ तो वहाँ पे भी ज़रूर जाइए, वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। तो इस तरीके से मैं रेडी हो गई थी और मैंने क्लचर को पकड़ के पीछे के बालों को कॉम किया था ताकि क्लचर मेरा नीचे को ना चला जाए और मेरा पफ जो है हेयर स्टाइल है वो ख़राब ना हो जाए, तो आप भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा कीजिए, क्लिप पॉबी क्लिप क्लचर वगैरह लगा रखे हो तो उनको पकड़ के जोर से उसके बाद ही नीचे के बालों को कॉम कीजिए या सुलझाइए, नहीं तो आपके जो पफ वगैरह आपने बनाया है वो नीचे को लुढ़क जाएगा और आपका जो हेयर स्टाइल है वो ख़राब दिखने लग जाएगा। फिर मैंने उसके बाद किया था ये प्यारी सी गर्ल्स का मेकअप, तो इनको इन्होंने थ्रेडिंग वगैरह नहीं बनाई थी क्योंकि इनकी एज ओनली 14 थी, तो मैंने आईब्रो पेंसिल की मदद से कुछ इस तरीके का लुक दिया था, इनका मेकअप काफ़ी अच्छा लग रहा था इनको, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से, इनके फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल लिया था तो फेशियल लेयर पे कैसे मेकअप करना चाहिए अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो में बता दूं कि अगर फेशियल हेयर है उनको रिमूव किए बिना आपको मेकअप करना और बिल्कुल भी क्रीम फाउंडेशन आपके हेयर में ना जाए, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक मैं अपने चैनल पर बहुत जल्दी लेकर आ पाऊँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।